अधिकार नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। दिलाई जाए, दिलाई जाए, हमारी जमीन हमको दिलाई जाए, दिलाई जाए, पूर्वीय समाज के साथ में न्याय करे, न्याय करे, न्याय करे, मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बस बस ज्यादा नहीं, बस नमस्कार, आप देख रहे हैं भैरू.com और SBCN टाइम्स। आज नीमच कलेक्टर कार्यालय में यहाँ पर मनासा से कंबल बुनकर हरा जो समाज है उसके बड़ी संख्या में यहाँ पर समाज जन पहुँचे हैं। इनकी जो एक मांग है, इनका जो कंबल बुनकर हरा समिति को जो जमीन इनकी थी वहाँ पर कुछ समिति के सदस्यों ने साठगांठ करके हुए बेचने के इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। इनका आरोप है कि रजिस्ट्री में 20 लाख रुपए की लेन देन करके इसको दर्शाया गया है, लेकिन वह 9 करोड़ रुपए में जमीन बिकी है, जबकि उसकी कीमत करीब या 15 करोड़ बता रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है पूरा जी, बताएं आज कौन सी जमीन को मामले को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं। ये कंबल हरा बुनकर समिति मनासा पूर्वीय समाज के द्वारा हम यहाँ आए हुए हैं कलेक्टर साहब के लिए आवेदन लेके, कि भाई हम चाहते हैं कि शांति तरीके से हमको हमारा मालिकाना हक मिले और उस ज़मीन को बेचने से रोका जाए और जिसकी रजिस्ट्री की गई है उसको शून्य किया जाए और पंजीयक सहायक के द्वारा एक रिसीवर नियुक्त करें जिससे यथावत स्थिति बनी रहे और मनासा की शांति भंग होने का मतलब उससे बचा रहे। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी प्रकार का कोई विवाद करें, इससे इसके लिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ एक पंजीयक सहायक रिसीवर नियुक्त होके उस प्रॉपर्टी की यथावत स्थिति बनी रहे। कितनी ज़मीन है और कब खरीदी गई थी? ये 130x70 फीट लंबी चौड़ी ज़मीन है, कोर्ट एरिया अन्नपूर्णा नगर के सामने है, कोर्ट एरिया का रास्ता है और मेन रोड पर जगह है और करोड़ों की आज की तारीख में उसकी कीमत 15 करोड़ से भी ज़्यादा है, जबकि इन लोगों द्वारा शो करके ने 20 लाख रुपए में मतलब ज़मीन को बेचा गया है और रजिस्ट्री में शो कर रखा और वो 20 लाख ही कंबलारा सोसाइटी में जमा करावा के बाकी ऊपर के पैसे के सारे ये 10-5 आदमी लोग के मिलके रोज़ पार्टी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल की रिपोर्ट में उन लोगों ने वो कहना नहीं चाहिए बाकी फिर भी मतलब के बकरे काट गए ना, मतलब पार्टी कर रहे हो और के तुम कुछ भी कर लो हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमने सबको खरीद लिया है। हमारे साथ और भी सदस्य हैं जिनसे भी बातचीत करते हैं जी, बताएं ये जमीन है किसके साठगांठ से बिकी और किन लोगों ने खरीदी है? अध्यक्ष ने जो 4 महीने पहले कुछ सदस्य नए बनाए जो कंबल के बारे में कुछ नहीं जानते, कंबल कितने प्रकार के होते हैं ये तक उनको पता नहीं है, उन लोगों को सदस्य बनाकर उनकी साठगांठ से उनके नाम पर रजिस्ट्री करवा के उनने थर्ड पार्टी की रजिस्ट्री करवा दी, भूमाफिया और राजनीतिक षड्यंत्र उनको प्राप्त है, उनके साठगांठ के साथ मिलते हुए उनने सारी रजिस्ट्री उनके करवा दी और नामांतरण तक करवा दी, जबकि हमने 7 महीने से हम लगातार हर जगह आवेदन देते आ रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस, थाना, तहसीलदार, सभी जगह हमने आवेदन दिए लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 181 CM हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन आज तक कोई हमको रिस्पांस नहीं मिला उस चीज़ का भी। समिति में कितने सदस्य और कितने लोगों ने सहमति दी है बिक्री में? समिति में कुछ सदस्य अभी जो नए बने हैं इनकी सहमति और अध्यक्ष इन दोनों की मिलीभगत से काम हुआ, जबकि ये सदस्य है ही नहीं। इनसे जब 1962 में जब ये जमीन खरीदी थी ओरिजिनल सदस्य वो है, उनकी किसी के भी हस्ताक्षर इस पे है ही नहीं और उन्होंने साठगांठ के चलते इनको बेच दिया। हमारे साथ दो सदस्य हैं जी, बताएं यह जमीन जो है मतलब क्या मांग को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं, वापस निरस्त करवाना चाहते हैं इसकी रजिस्ट्री की? हम इस जमीन को बचाना चाहते हैं ताकि पीछे वाले लोग यहाँ अपना रोजगार चला सकें। कितने रुपए में बेची गई है जमीन? वो तो इन्होंने बहुत सस्ती बेची है लेकिन आज के रिपोर्ट से वो बहुत महंगी ज़मीन है और इन्होंने गलत तरीके से AR ने इन सबको साठ गांठ करके ने भूमाफियाओं को बेच दी। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो यह ज़मीन है यह साठ गांठ करके भूमाफियाओं को बेची गई है और समिति के सदस्यों ने ही इसमें खरीदी है और जो 20 लाख रुपए ही समिति के अंदर इन्होंने जमा करवाए हैं ऐसे इनके आरोप हैं। अब देखना ही होगा कि यहाँ कलेक्ट्रेट में जो ज्ञापन सौंपने आए इस पर कलेक्टर महोदय द्वारा क्या संज्ञान लिया जाता है, क्या यह रजिस्ट्री शून्य की जाती है या फिर क्या है?